An Academy. Let's crack it. Hello friends, hope all of you are doing well. A very warm welcome to all of you. बहुत सारे aspirants कई बार current affairs लेके बहुत dilemma face करते हैं, बहुत stuck रहते हैं, बहुत concerns रहते हैं उनके. एंड सबसे बड़ा सवाल वो लोग ये पूछते हैं कि कौन सा करंट अफेयर्स मैगज़ीन अच्छा होता है, कौन सा पढ़ना चाहिए. तो मुझे लगता है कि देर इज़ नो राइट और रॉन्ग मैगज़ीन फॉर यू टू रीड. एंड बहुत सारे करंट अफेयर्स के मंथली मैगज़ीन्स अवेलेबल है मार्केट में. आप कोई भी एक मैगज़ीन पिक कर सकते हो, बट इट डज़ नॉट मीन दैट आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दोगे. न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा. एंड मंथली मैगज़ीन्स एक एडिशनल सोर्स है, जिससे आपने अगर कुछ आपसे छूट गया न्यूज़पेपर में, या कई बार न्यूज़पेपर एक आध न्यूज़ छोड़ देते हैं, तो वो सब कवर करने के लिए मंथली मैगज़ीन्स कम इन फॉर योर रेस्क्यू. तो आप कोई भी एक मैगज़ीन मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं. 10 से 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको कवर करना होता है बिफोर यू अपीयर फॉर योर प्रीलिम्स. द नेक्स्ट थिंग इज़ आप लोग स्विच मत कीजिए मैगज़ीन्स. अगर फर्स्ट मंथ आपने कोई ए मैगज़ीन पढ़ा है, तो आई सजेस्ट कि आप 10 to 12 मंथ्स वही ए मैगज़ीन के साथ कंटिन्यू करें. क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे दो तीन मैगज़ीन्स फर्स्ट मंथ में लेके बैठते हैं, एंड देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग के ये मैगज़ीन अच्छा है, इसमें ये छूट गया, ये कवर नहीं किया. हैव फेथ, हैव दैट बिलीव कि अगर ए मैगज़ीन ने फर्स्ट मंथ में कुछ छोड़ दिया है, इट विल बी कवर्ड इन द सब्सिक्वेंट मंथ्स. आपको इतना फेथ रख के पढ़ना पड़ेगा. एंड 2-3 मैगज़ीन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट लास्ट में जब रिविशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, उस टाइम आप 2-3 मैगज़ीन्स मैनेज नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे. एंड अगर वो मैगज़ीन्स आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. बेटर यही है कि आप एक ही मैगज़ीन के साथ स्टिक करें फॉर 10 to 12 मंथ्स, एंड उसी मैगज़ीन्स को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते. द नेक्स्ट मैगज़ीन आई वुड से इज़ योजना कुरुक्षेत्र. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस. और ऐसा नहीं कि हर मंथ योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है एंड हर टॉपिक पढ़ना है. आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है. जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था, एंड ट्राइबल डेवलपमेंट पे एक योजना था इन द ईयर आई थिंक 2015 का, ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट. मैंने उसको यूज़ किया था. इनफैक्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कीवर्ड्स और केस स्टडीज़, वो सब नोट डाउन कर लिया था मेरे नोट्स में, एंड आई केप्ट दैट असाइड आफ्टर दैट. तो उससे आपके दिमाग में बर्डन नहीं रहता कि मुझे ये इतने सारी किताबें पढ़ना है. योर ओन नोट्स आर सफिशेंट, वही आपको पढ़ना है. तो कमिंग टू योजना कुरुक्षेत्र, आपको सेलेक्टिव योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है, एंड दैट टू सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना है. तो आई थिंक दैट्स इट. मंथली मैगजीन्स अनअवॉइडेबल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिकॉज इट हेल्प्स टू कंसोलिडेट बेटर. और न्यूज़पेपर्स का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत रिलीजियसली पढ़ना है, डिलीजेंटली पढ़ना है फॉर एटलीस्ट 1 year before you take up the prelims exam. That's all. Thank you and God bless you.